तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे BS6 सेमेस्टर हिंदी के फर्स्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 6 सेमेस्टर में आपको पर सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हिंदी के फर्स्ट पेपर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताने वाले हैं। और आज की ये वीडियो महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि लगभग लगभग जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में वो इसी वीडियो से आने वाले हैं। प्रूफ के तौर पर यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए, अदरवाइज बोलेंगे कि समझ में नहीं आया। देख लीजिए, आपका जो वर्ष है यानी कि जो वर्ष है वो तृतीय है यानी कि थर्ड ईयर है। सेमेस्टर आपका 6 है यानी कि 6वां सेमेस्टर है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और ये प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि पहला पेपर है हिंदी का, जिसका नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि से जुड़े आएंगे, तो उन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ब्रज भाषा पर टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है ब्रज भाषा की परिभाषा दीजिए, ब्रज भाषा के बारे में लिखिए। तो सिंपल सा लिखेंगे ब्रज भाषा के बारे में कि ब्रज भाषा पर बड़ा कार्य डॉक्टर अम्बा प्रसाद सुमन ने किया है, यानी कि बहुत बड़ा जो योगदान रहा है वो प्रमुख कवि और प्रमुख लेखक डॉक्टर अम्बा जी का रहा है। ब्रज भाषा में उन्होंने ब्रज भाषा को भाषा का दर्जा दिया, ब्रज भाषा को भाषा का दर्जा दिया। अपने शोध निबंध में वे लिखते हैं कि मथुरा, अलीगढ़, आगरा और धौलपुर में बोली जाने वाली जनपदीय भाषा विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा कहलाती है। कहाँ पर? मथुरा, अलीगढ़, आगरा और धौलपुर में बोली जाने वाली जनपदीय भाषा विशुद्ध रूप से ब्रज भाषा कहलाती है। भक्ति काल और रीत काल में तो इस भाषा की धाक थी, इसलिए इसे ब्रज बोली न कहकर ब्रज भाषा कहा गया। इसी ब्रज भाषा को उत्तरी सीमा में खड़ी बोली, दक्षिण में राजस्थानी, पूर्व में बुंदेली और पश्चिम में बंगारू स्पष्ट करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बुलंदशहर, बांदेव, नैनीताल तथा बदायूं, नैनीताल तक ब्रज भाषा पर खड़ी बोली का असर देखा जा सकता है, यानी कि इन सभी स्थानों पर जो ब्रज भाषा है, ठीक है, इस पर खड़ी बोली का असर देखा जा सकता है, ठीक है, इन जगहों पर। वहीं पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तो ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या 1,23,00,000 मानते हैं, यानी कि प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा जो बोली जाती है भाषा, ठीक है, इसको बोलने वाले करीब करीब जनसंख्या जो है वो 23,00,000 लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। ध्यान रखेंगे 23,00,000, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में दक्षिण रूप पर टिप्पणी लिखिए, हिंदी भाषा में दक्षिण रूप पे आपको लिखना है। तो जानते हैं इसके बारे में परिचय थोड़ा। तो लिखना है कि ब्रज और अवधि के अतिरिक्त, यानी कि ब्रज और अवधि के अलावा हिंदी का खड़ी बोली पर आधारित दक्षिणी रूप भी दिखाई दिया है। कौन सा? दक्षिणी रूप भी दिखाई दिया है। दक्षिणी का विकास 12वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में उर्दू के रूप में परिलक्षित हुआ। किस भाषा में? उर्दू के रूप में। इस काल के शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन सी भाषा थी? शासक जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनकी भाषा, शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। फारसी का प्रचार प्रसार लोग जान सकें इस युग में प्रमुख था, ठीक है। और उसके बाद इसलिए इस भाषा में अरबी, फारसी व तुर्की शब्दों की प्रधानता ग्रहण की गई, या फिर प्रधानता ग्रहण की। इसलिए उर्दू की दुनिया का खा गा जा फा, ठीक है, का खा गा जा भा, ठीक है, जा फा आदि ध्वनियों में समाहित हुई। धार्मिक साहित्य की प्रधानता के कारण इस काल की भाषा में संस्कृत एवं तत्सम शब्दों का भी प्रचलन हुआ। अंग्रेजों, फ्रांसीसियों के संपर्क में आने के कारण इनकी भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में स्थान पाए, ठीक है। तो ये है हिंदी भाषा के दक्षिणी रूप के बारे में परिचय। का लिखेंगे हिंदी भाषा में दक्षिणी रूप के बारे में, ठीक है, परिभाषा सिंपल सी। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सती लेकिन सदी है, ठीक है, कि उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई देने लगा। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध, ठीक है,
उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई दिया, तो उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक काल 18वीं सदी के उत्तरार्ध के आखिर में और 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी भाषा का आधुनिक जो रूप है वो देखने लगता है, ठीक है, दिखने लगता है। अंग्रेजों ने इस समय अपने धर्म प्रचार व शासन के लिए जन साधारण में भाषा के प्रचार के लिए कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, लेकिन 1800 से 1950 तक का समय भाषा की दृष्टि से संक्रांति काल था, ठीक, कौन था ये जो समय रहा है 1950 तक का, ये समय भाषा की दृष्टि से संक्रांति का काल था और इस दौरान हिंदी का इस दौरान हिंदी का स्वरूप पूर्णता दिखाई नहीं देता। 1850 के आसपास तक हिंदी का स्वरूप और उस भाषा की दिशा निश्चित हुई। इसी दिशा के बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके अन्य सहयोगी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनके बाद के रचनाकारों ने गद्य पद्य की भाषा का नया रूप अपनाया। यह खड़ी बोली पर आधारित रूप था और इसे ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का कौन सा रूप दिखाई दिया, किस प्रकार निकला। तो बाद में कुल मिला के इसका सार निकलता है कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास से आप क्या समझते हैं, ये तो आप लोग ने 7वीं 8वीं ठीक है क्लास में 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, समास के बारे में। तो यहीं पर एक समास है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास, इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखेंगे कि इस समास में दो शब्द मिलकर तीसरा ही अर्थ प्रकट करते हैं, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी परिभाषा, पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि पीताम्बर, तो पीत प्लस अंबर और उसका मतलब हो गया वस्त्र, ठीक है, और इंगित अर्थ हुआ वह व्यक्ति उसके वस्त्र पीले हों, ठीक है, वह व्यक्ति जिसके वस्त्र पीले हों। इसी तरह सबका यहाँ पर तीसरा जो अर्थ है वो प्रकट हुआ है, ठीक है, इन दोनों में ये देखिए, ये हाथ इसमें हुआ, इनमें इंद्रियाँ हुई हैं, इनमें चेहरा हुआ है, तो आप ध्यान देना। अगला है कि भाषा विविध रूपा होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हालांकि कई बार नहीं आया है, बहुत कम आया, आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास को कितने कालखंडों में विभक्त किया है, उसके बारे में बताइए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने हिंदी भाषा के इस विकास का अध्ययन किया और अध्ययन की सुविधा देने के बाद उन्होंने मतलब कि अध्ययन किया उसके बाद सुविधा की दृष्टि से इन्होंने तीन कालखंडों में इसे डिवाइड किया। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने। पहला था प्राचीन काल। प्राचीन काल में था ये कि 500 ईसा पूर्व तक जब अपभ्रंश और प्राकृतों का प्रभाव हिंदी पर विद्यमान था और हिंदी की बोलियों के निश्चित स्पष्ट रूप सामने नहीं आ पाए थे, ठीक है, तो इस काल को हम प्राचीन काल कहेंगे। उसके बाद आ जाएगा मध्यकाल। तो इस कालखंड में हिंदी अपभ्रंशों के प्रभाव से पूर्णता मुक्त हो चुकी थी और उसकी प्रमुख बोलियां विशेषता खड़ी बोली, ब्रज और अवधी अपना स्वतंत्र एवं स्पष्ट व्यक्तित्व लेकर सामने आ चुकी थी। तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। आधुनिक काल ये रहा 1800 ईस्वी के बाद का जो समय रहा है उसको आधुनिक काल कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार बेसिक परिचय लिखेंगे। धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार हिंदी भाषा के विकास कालों के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला है कि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। तो उत्तर लिखना है कि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रायः हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी है। इंग्लिश की कौन सी है? रोमन है। उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रकार लिखेंगे सभी भाषाओं के बारे में। तो उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है,
भारतवर्ष में दो लिपियाँ प्राचीन लिपियों के रूप में मानी जाती हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मी और खरोष्ठी। ठीक है, प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों पर यही दो लिपियाँ अंकित मिलती हैं, जिनमें या फिर इनमें से देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, तदुत्परांत कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई। इस विकास क्रम को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया, जैसे कि यहाँ पर प्रस्तुत ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के समस्त कि तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं। एक समास है जैसे कि बहुवीरी समास के बारे में जाना, फितरा तत्पुरुष समास होता है। तो इसका उत्तर लिखना है कि समास में दो शब्द के बीच में किसी कारक का संबंध छिपा रहता है, उस कारक संबंध को वाक्यांश के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि ये समास है। ठीक है, तो समास जैसे कि ठीक है राजपुत्र, तो राजपुत्र का अगर दीर्घ करेंगे, इसका पूरा का पूरा सार निकालेंगे, ठीक है, तो ये निकलेगा राजा का पुत्र। जैसे बोलते नहीं लोग गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश का अगर डिटेल में सार निकालेंगे, ठीक है, और इसमें जो छिपा हुआ है वो यही छिपा हुआ कि भाई गृह में प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश करना, देशभक्त, देश के प्रति भक्ति, शत्रुहंता, शत्रु को मारने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आप परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। अगला है कि द्वंद्व समास के बारे में आप तो उसे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो द्वंद्व समास में ये होता है कि समास में दो ऐसे शब्द आते हैं जो मिलकर एक अर्थ प्रकट करते हैं, दोनों शब्दों के बीच और या का अर्थ छिपा होता है, उदाहरण के लिए माता पिता। ठीक है, उसके बाद इसका जो अर्थ निकलेगा माता और पिता अर्थात माँ और बाप, गाय बैल, ठीक है गाय बैल ऐसे लिखा डेफ में, मतलब कि गाय बैल, उसके बाद गाय और बैल अर्थात सभी जानवर। तो इस पर लिखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। अगला कि राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है, तो लिखना है कि भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 345, 346 और अनुच्छेद 347 में राज्य की भाषाओं के संबंध में उल्लेख किया गया। ठीक है, उल्लेख किया गया संघ सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे राज्यों की राजभाषा बनाने का कार्य किसका है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, कार्य संविधान का है, याद रखेंगे। अगला कि किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने से संबंधित नियम क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार केवल हिंदी संघ की राजभाषा है, किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित करने से संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसका मतलब कि मतलब कि कोई भी भाषा है उसकी राजभाषा घोषित करने संबंधित कुछ नियम होते हैं, इनके बारे में परिचय। अगला प्रश्न इसी में है कि देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है कि क्या भारत के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि भारत सरकार, उत्तर लिखेंगे इसका कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। अब तक जारी किए गए आदेशों का अवलोकन राजभाषा विभाग के वेबसाइट पर इतने पर लॉग कर इन, ठीक है, इन करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिचय। और संक्रमण काल के बाद किन्हीं, ठीक है, संक्रमण काल के बाद हिंदी का विकास किस शताब्दी से किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कई बार आ चुका है, इसको भी नोट कर लीजिए। और अगला है कि विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया गया, आप सभी अच्छे से जानते ही हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया गया। ठीक है, आभासी मुख्यालय में इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य महासचिव महोदय की उपस्थिति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें अभाशिप के सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे इसके बारे में परिचय। अगला है कि देश की राजभाषा क्या है, तो राजभाषा के बारे में आप किसी को पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि देश की राजभाषा जो है
उसको इसी प्रकार आप लोग लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन ऊपर था वही दोबारा फिर से आया है, ठीक है। इस संविधान के अनुच्छेद 347 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिप देवनागरी होगी। इस संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ठीक है। अगला कि देवनागरी लिप और हिंदी का क्या अभिप्राय, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा, ध्यान रखेंगे 100% है। किस संघ सरकार की राजभाषा हिंदी और लिप के लिए देवनागरी लिप का प्रयोग किया जाएगा तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात, ठीक है, इनमें आपको होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर तैयार कर लेना, हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके उत्तर भी दिए गए हैं। समय आपका भी ज़्यादा वेस्ट ना हो क्योंकि परीक्षाएँ लगी हैं, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे। बाकी पूरी PDF है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें से आएंगे कई सारे क्वेश्चन जो कि हमें PDF पूरी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो वहाँ पे डाउनलोड करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन होने के बाद उसे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें सब्जेक्ट का महासंग्राम PDF चाहिए, तो आपको सेंड कर देंगे। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।